हेलो गाइस, तो आज के प्रोजेक्ट में आप होम ऑटोमेशन करने वाले हो किसी भी दो सेंसर्स को यूज़ करके। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक तो ये सेंसर, कौन सा सेंसर, ये टच सेंसर को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और एक मैं यूज़ करने वाला हूँ PIR सेंसर, और इन दोनों सेंसर्स को हम अपने घर के किसी भी अप्लायंस को इस बॉक्स के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आप अपनी LED लाइट्स या फिर अपना फ़ैन कुछ भी अटैच करना चाहते हो, लेट्स से अगर आप PIR के स्विच से अटैच करते हो, तो जैसे आप अपने रूम में एंटर करोगे तो आपका जो फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और अगर आप इस सेंसर से कनेक्ट करते हो, यानी कि टैप सेंसर से, या सॉरी कौन सा सेंसर है ये फिर से भूल गया मैं, टच सेंसर, हाँ ये टच सेंसर है। और जब आप इस सेंसर पे ऐसे इस तरह टच करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। हम इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वो है ATmega 328P, ये वही है Arduino Uno, लेकिन Arduino Uno के अंदर जो आपके दे रखी है ये चिप, इसका नाम होता है ATmega 328P। तो मैं Arduino Uno के अंदर ही इसको प्रोग्राम करूँगा, लेकिन उसको पावर करने के लिए मैं सिर्फ चिप को यूज़ करूँगा। देन उसके बाद, जैसे कि आपको पता है Arduino Uno के अलग से पावर चाहिए, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अडेप्टर, जो आपका फ़ोन का अडेप्टर होता है उसको मैं तोड़ दिया, मैंने ये सैमसंग का अडेप्टर था और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इसी बॉक्स के अंदर, ताकि Arduino Uno को डायरेक्टली 220 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए उसकी वोल्टेज। तो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँगा अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, हमने अपना अडेप्टर अपने PCB के ऊपर अटैच कर लिया है, और आप ATmega 328P का पिन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, जिसमें जो ये इस यहाँ से इधर से सेकंड लास्ट पिन है वो 7th पिन है और जो लास्ट पिन है वो 9th पिन है। तो इस जो सेंसर्स है अपने दोनों, हम इन पिन से अटैच कर देंगे। तो गाइस, रिले के जो कनेक्शंस हैं वो मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इस साइड टच सेंसर लगाया, ठीक है, और जैसे मैं इस सेंसर को टच करता हूँ तो मेरे पास ये वाली रिले है जो वो ऑन हो जाती है, और मैं दोबारा टच करता हूँ वो ऑफ हो जाती है, क्योंकि इस टच सेंसर को मैंने टॉगल कर रखा है, ठीक है। तो और जो ये वाला सेंसर है, आपके पास PIR आ गया, जब भी इसके सामने कुछ आएगा वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टच सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस कोड के अंदर मेरे पास एक दिक्कत अभी भी आ रही है, कि जब मैं टच सेंसर को इस तरह टच करके रखता हूँ, ठीक है, होल्ड करके रखता हूँ, तो मेरे पास जो सेकेंड रिले है जो PIR की है वो बंद हो चुकी है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वाइल लूप यूज़ किया टॉगल करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप बता सकते हो कि अगर आपके पास कुछ आइडिया या लॉजिक है इस तरह का। बस कमेंट के अंदर कोई विनोद नहीं लिखेगा।
विनोद। ओके थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।